हेलो फ्रेंड्स, प्रभा हेल्दी के लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आइए बनाना शुरू करते हैं आसान रेसिपी पनीर की। पनीर बनाने के लिए मैंने लिया 200 ग्राम पनीर, 4 टमाटर, 3 प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और 100 ग्राम मटर। गैस ऑन कर देंगे, गैस में चढ़ा देंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और धुआं उठने तक। अब तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे इलायची, लौंग, जीरा, तेज़पत्ता और छोटा इंच दालचीनी का टुकड़ा। अब इसमें ऐड कर देंगे लहसुन, अदरक, प्याज का पेस्ट। अच्छी तरह से भून लेंगे। मसालों को हम तेल छोड़ने तक ही भूनेंगे, जिससे कि पनीर अच्छे से बन के तैयार हो। मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर छोटी चम्मच, धनिया पाउडर छोटी चम्मच। कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे। मटर पनीर को आप घर के मसाले से ही बनाकर तैयार कर सकते हैं और काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद मसाले को अच्छे से भून लें। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह मसाला भून कर तैयार कर लें। मसाले अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे पीसे हुए टमाटर। मिक्स कर लें अच्छी तरह से। मसाले को हम ढककर 10 मिनट के लिए पका लेंगे धीमी आंच में। मसाले को बीच बीच में चलाते रहें, जिससे कि मसाले नीचे से लगे ना। और आप देख सकते हैं दोस्तों, मसाले से तेल अच्छे से सेपरेट हो गया है। ग्रेवी बनकर तैयार है। अब इसमें ऐड कर देते हैं मटर। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ऐड कर दें थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, गरम मसाला। मिक्स कर लें। मटर को हम 5 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। मटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें ऐड कर देते हैं 1 कप पानी। ग्रेवी आप अपने अनुसार रख सकते हैं, ज़्यादा गाढ़ी या पतली आप अपने अनुसार रख सकते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और 5 मिनट के लिए ढककर पका लें। आप देख सकते हैं दोस्तों, मटर अच्छी तरह से कुक हो गई है। अब इसमें ऐड कर देते हैं कटा हुआ पनीर। पनीर को ऐड करने के बाद 8-10 मिनट के लिए धीमी आंच में हम पका लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 8-10 मिनट के लिए धीमी आंच में पनीर को पकने दें। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, घर के मसालों से ही मटर पनीर की सब्ज़ी बनाकर तैयार की जा सकती है और कोई झंझट का काम भी नहीं रहता है, आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो आप भी इस पनीर की रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी ये मटर पनीर की सब्ज़ी कैसे बनी है। अब इसमें हरा धनिया से गार्निश कर देते हैं और अपने मनपसंद रोटी, चावल या पूड़ियों के साथ सर्व करें। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।